अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी। ये 10 से 12 मिनट में बन जाती है और बहुत ही क्रीमी और लच्छेदार बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए और इन्हें इस तरह से तोड़ लिया है। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे सिर्फ 30 सेकेंड के लिए। ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, देखिए इस तरह से। एक डीप पैन में मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले लिया है। इसे मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस मैंने ऑफ किया हुआ है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम गैस ऑन करके इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इसे पकते हुए अब 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्रेड जो हमने पीस कर रखी हुई थी और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे, इस तरह से चम्मच चलाते हुए और साइड से स्क्रेप करते हुए। 3 मिनट हो चुके हैं, देखिए मिल्क अच्छे से थिक हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून शक्कर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे लो हीट पर 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि शक्कर अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी केसर, 2 बूंद केवड़ा वाटर और थोड़े बादाम बारीक कटे हुए। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो आपको जो पसंद हो। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि रबड़ी और थोड़ी थिक ना हो जाए। हमें इसे ज़्यादा थिक नहीं करना है, देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि रबड़ी ठंडी होकर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इसे हम लो फ्लेम पर पकने देंगे और एक पैन में हम 5 टेबलस्पून शक्कर डालेंगे। शक्कर डालकर हमें इसे हिलाना नहीं है, शक्कर को मेल्ट होने देना है। शक्कर अब मेल्ट हो गई है। अब हम इसे चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि गोल्डन ना हो जाए और कैरमल रेडी ना हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो आपकी रबड़ी कड़वी हो जाएगी। अब हमारा कैरमल रेडी है, हम इसे रबड़ी के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरह से। फ्लेम हमें लो ही रखना है, इससे रबड़ी का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत एनहांस हो जाएगा। हमारी रबड़ी अब बहुत अच्छी तरह से थिक हो चुकी है, इससे ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए 10 मिनट के बाद ही रबड़ी कितनी गाढ़ी हो गई है। जब हम इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। हमारी लच्छेदार क्रीमी रबड़ी अब तैयार है। इसे हम गार्निश करेंगे कुछ कटे हुए बादाम के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।